हेलो, आज हम बात करेंगे स्कोडा रैपिड की। और इसकी मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही अंडररेटेड है और सेकंड हैंड मार्केट में अभी भी 2 लाख या 3 लाख में मिल जाती है। हालांकि इसमें बहुत सारे फील गुड फीचर्स भी हैं, तो हम उसकी पूरी बात करेंगे। तो एज यू कैन सी, ये है 2014 मॉडल स्कोडा रैपिड एलिगेंस, जो कि टॉप मॉडल है। इसमें अलॉय व्हील वगैरह सारे कुछ आते हैं और इसमें कुछ फील गुड फीचर भी हैं, जैसे रिमोट लॉक अनलॉक है इसमें, वो तो सभी गाड़ियों में होता है। लेकिन इसके अलावा इसको अगर आप अनलॉक बटन को दबा के रखते हैं तो इसके सारे विंडोज़ अपने आप ओपन हो जाते हैं, और फिर अगर लॉक बटन को आप दबा के रखते हैं तो इसके सारे विंडोज़ अप हो जाते हैं, जो कि आई थिंक आजकल 20 लाख की गाड़ियों में भी नहीं मिलते हैं। तो ये तो इसका रहा बाहर का व्यू। अभी हम अंदर चल के देखते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो इसको अनलॉक कर लेते हैं पहले। अंदर भी काफ़ी अच्छा इसका लुकआउट है। पीछे अगर देखें तो अच्छा खासा स्पेस है इसमें। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी आती है स्कोडा की, स्कोडा की सभी गाड़ियों में। हालांकि ये रैपिड है बट इनकी सभी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। और अगर हम बात करें कि इसमें अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, तो एज़ यू कैन सी इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है। सो यहाँ पे आप कॉल पिक कर सकते हो, कट कर सकते हो, चैनल चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद इसमें क्रोम का भी इंसर्ट दिया हुआ है इसके एसी वेंट्स में। और कुछ फीचर ऐसे हैं जो कि महंगी गाड़ी में भी नहीं आते, जैसे कि इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। इसमें कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं, जैसे कि इसका हेडलाइट ऑन करने का बटन ये दिया हुआ है। इसको घुमाते हैं तो ये हेडलाइट ऑन होता है, और इसको जब आप पुल करते हैं बाहर तो इसका फॉग लैंप ऑन होता है। तो अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अभी तो मैंने इसमें वाटर बॉटल और डॉक्यूमेंट्स ये सब कुछ रखा हुआ है, तो काफ़ी स्पेसियस है। इसमें आपको हैंडरेस्ट मिल जाएगा, और हैंडरेस्ट के साथ साथ ये आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। इसकी हाइट ये सबसे नीचे की पोजीशन पे है, इसको आप चाहे तो थोड़ा ऊपर करिए, यहाँ रह गया, और ऊपर कर सकते हैं। तो ये कुछ इसका अंदर से लेआउट है। चलिए आपको मैं बूट स्पेस दिखा देता हूँ, बूट ओपन करके आपको स्पेस दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी एक इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। तो इसमें काफ़ी बड़ा बूट आता है 420 लीटर का, तो आप इसमें अपने 4-5 बैग ये सब कुछ रख सकते हैं, काफ़ी स्पेसियस है ये। सो अब हम इसको ड्राइव करके भी देखते हैं कि कैसी चलती है ये। इस गाड़ी की खासियत है इसका पिकअप। इसमें 1.6 लीटर का डीजल इंजन आता है, जो कि 105 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो चलाने में हमेशा आपको एक एक खुशी देगा। इसका जो पुल है वो आई थिंक 15-20 लाख की गाड़ियों के बराबर है, और आजकल के टाइम पे आपको पता है कि डीज़ल गाड़ियाँ वैसे भी डिसकंटिन्यू होती जा रही हैं या नई लॉन्च नहीं हो रही हैं, तो उस सिचुएशन में एक बहुत अच्छी डील है आपके लिए ये। अगर आपको कहीं पे भी स्कोडा रैपिड डीज़ल में या पेट्रोल में इवन सस्ते प्राइस में मिल जाती है, जो कि 2-3 लाख में अवेलेबल होती है, और अगर आपके नोन पर्सन की है या आप जानते हैं कि वो गाड़ी अच्छे कंडीशन की है, तो आप उसको ले सकते हैं। अगर माइलेज की बात करें तो हाईवे पे इसका माइलेज 22 प्लस का है, और सिटी में ये 17 के आसपास का माइलेज आपको दे देती है बड़े आराम से डीजल में। एक ये काफ़ी अच्छा व्यू है, विश्व बंगला गेट बोलते हैं इसको। अभी मैं कलकत्ता में हूँ, कलकत्ता में न्यू टाउन एक जगह है, वहाँ पे ये दिख रहा है आपको विश्व बंगला गेट। ऊपर रेस्टोरेंट है, तो एक तरह से इसको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बोल सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत अंडरपास, दोनों तरफ इसमें चित्रकारी हुई है,
आर्ट्स बने हुए हैं। तो ये इसका चलाने का मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप सेकंड हैंड कार ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से स्कोडा रैपिड पेट्रोल या डीजल दोनों ही एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, बशर्ते आप किसी डीलर से ना ख़रीदें, या आपके किसी नोन पर्सन की हो, या एटलीस्ट आपके किसी जानने वाले की हो जिसके आपको पता हो कि ये एक्सीडेंटल कार नहीं है या इसमें और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सर्विस रिकॉर्ड मिल जाता है तो दैट्स इज फार बेटर। इसका टॉर्क बहुत ही अच्छा है, आप किसी भी समय इसके एक्सीलेटर पे पैर दबाइए, पंजा दबाइए और ये अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है। आपको कभी भी ओवरटेक करने के लिए प्लानिंग नहीं करनी है। सो एक फील गुड फैक्टर है इस कार के साथ। और रही बात बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी वन ऑफ द बेस्ट है। एट दैट टाइम आई थिंक ये 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती थी। इसमें डुअल एयर बैग हैं और इस गाड़ी को, जैसे कि जर्मन कार के बारे में सभी जानते हैं, इसकी 7 कोटिंग होती है पेंट की, तो इसमें कुछ ऐसा रस्टिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये मोनोकॉक डिज़ाइन है, सो काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी मजबूत कार है ये। जब आप इसको दरवाजे को खोलेंगे, बंद करेंगे, या इवन इसके बोनेट को उठाएंगे तो आपको ज़रूर आइडिया होगा, बिकॉज वो काफ़ी हैवी है। और रही बात इसके इंजन की, तो वन ऑफ द बेस्ट इंजन माने जाते हैं TDI इंजन, फॉर परफॉर्मेंस एंड माइलेज दोनों के लिए। अभी तो ये बंद हो चुका है, नई गाड़ियों में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, अगर आपको कहीं यूज़ कार में ये मिलता है या रीसेल में मिलता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अप टू 3 लाख में, ये मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। और रही बात मेंटेनेंस की और सर्विस कॉस्ट की, तो वो जितना आप मैनुअल को पढ़ेंगे, जितना आप गाड़ी के बारे में जानेंगे, उतने पैसे आप बचा सकते हैं। ऑथराइज सर्विस सेंटर पे अगर आप सेकंड हैंड कार को सर्विस ना कराएं तो ही अच्छा है, बिकॉज आप जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा खर्चा बताते रहेंगे कि ये करा लीजिए, अदरवाइज़ ये होगा या वो हो जाएगा। आप किसी अपने रिलायबल मैकेनिक से, या जो आपके घर के आसपास हो, या अच्छा मिस्त्री हो, कोई मैकेनिक हो, वहाँ पे आप इसको सर्विस करा सकते हैं। आपको 6 से 7 हज़ार की कॉस्ट आएगी और ये अच्छा खासा सर्विस हो जाएगा। और इसका सर्विस इंटरवल भी लंबा है, 15,000 पे इसकी सर्विस होती है, जो बाकी नॉर्मल गाड़ियों की 10,000 पे होती है। सो ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट ही आपको पड़ेगा डीजल पेट्रोल दोनों में, बट आपका इसमें रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम आएगा, प्लस इसको आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और अगर आपका बजट टाइट है और आप एक गाड़ी लेके इंजॉय करना चाहते हैं 2-4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, तो स्कोडा रैपिड इज़ ए ग्रेट ऑप्शन एंड बेस्ट चॉइस फॉर यू। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी नई वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। थैंक यू सो मच।